हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो इस वक्त, जो कि जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, और बाकी सारी डिटेल्स, आप क्या फील करें उनके लिए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो, क्या सिचुएशन है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन और मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं जिनके बारे में वो इस वक्त सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ जो कार्ड आए हैं, टू ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, एस ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, जस्टिस। ठीक है, आपके और आपके पर्सन के इस वक्त क्या चल रहा है। इस वक्त आपके पर्सन ऐसा लगता है दो सिचुएशन के बीच में फंसे हुए हैं, या आप दोनों की सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस में भी हो। ठीक है, और एक डिसीजन लेना है, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या तो आप कर रहे हो या आपके पर्सन कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन है कि दूरियाँ बन चुकी है। सिर्फ ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे को आप देख भी नहीं पाते हो, इंटरनेट के माध्यम से ही आप दोनों एक दूसरे की खबर ले पाते हो। इस तरीके की आप दोनों के बीच में सिचुएशन है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, ये पर्सन एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो। आपकी सिचुएशन इस वक्त मुझे नज़र आ रही है कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी जो है, आपकी एनर्जी फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से रिजेक्टेड फील कर रहे हो, लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। आपको लग रहा है इस पर्सन को आपकी परवाह नहीं है, और बेसिकली इसलिए फील कर रहे हो आप क्योंकि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। इन्होंने आपके साथ अचानक से कम्युनिकेशन बंद कर दी है। ठीक है, इस वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के तरफ से बहुत ज़्यादा एक ऐसा फील कर रहे हो कि ये पर्सन को आपकी परवाह नहीं है। इस तरीके से आपके मन में एक दुख सा है, जैसे इनको कोई परवाह ही नहीं है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी जो मुझे नज़र आ रही है, वो अपने लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं, और आपके पर्सन अपनी लाइफ में खुश नज़र आ रहे हैं। ठीक है, खुश नज़र आ रहे हैं, अपने करियर में फोकस कर रहे हैं, चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में वो ऐसा भी लग रहा है कि करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो रहे हैं, और आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स भी नज़र आ रही है। ठीक है, और ऐसा मुझे लगता है कि ये पर्सन भले ही आपसे दूर हैं, पर आपकी रेस्पेक्ट करते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को हील करना ये पर्सन चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टेकल है, वो मुझे नज़र आ रहा है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं होता है। आप दोनों सिर्फ दिमाग से ही चीज़ों को सोचते रहते हो, पर कुछ कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करता, ना आपके पर्सन करते हैं ना आप करते हो। वही मेन आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। साथ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी है रिलेशनशिप में। ठीक है, और वो जब तक आप दोनों एक दूसरे से खुल के कम्युनिकेट नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, आपकी एनर्जी में मुझे ये भी नज़र आ रहा है, हो सकता है आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हो। ठीक है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। हो सकता है कोई लोन आपने लिया हो, वो पे नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ हो रहा है। यहाँ पर जो है आउटकम में आ रहा है कि आपके पर्सन जो है किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है। क्या आउटकम में ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है वो ज़्यादा आप लोग दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं,
ठीक है, ये पर्सन भी ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे इस सिचुएशन में। आपके साथ जो रिलेशनशिप है उस सिचुएशन में ये पर्सन ज़्यादा ना कम्युनिकेट कर रहे हैं और ना ही थोड़ा डिटैच्ड टाइप का आपसे बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया, हो सकता है दो सिचुएशन के बीच में स्टक है और ये पर्सन आपके साथ भी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और दूसरे के साथ भी रखना चाहते हैं, अगर दो रिलेशनशिप है तो। ठीक है, इस रिलेशनशिप का आउटकम मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ज़रूर आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा, जिसने भी गलती की है उसको जो है उसकी सज़ा मिलेगी। अगर इस पर्सन ने कोई गलती की है तो डेफिनेटली ये इस पर्सन को रियलाइज़ होगा और ये पर्सन फिर उस सच्चाई का साथ देंगे और आपके साथ आएंगे। ठीक है, हम और कार्ड्स में देख लेते हैं। ठीक है, लवर्स का कार्ड आया है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ पर है नाइन ऑफ सोर्ड। ओके, टावर, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, यहाँ पर आपके और आपके पर्सन की एनर्जी कैप्रिकॉर्न हो सकती है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकती है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकती है, एरीज लियो सेजिटेरियस, मतलब सारे ही साइन हैं। ठीक है, देखिए, ये पर्सन जो है बाहर से आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये खुश हैं, इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इनके लाइफ में चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, पर इस पर्सन को अपने किसी गलती का या किसी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ठीक है, एनजाइटी स्ट्रेस इनको होता है, क्योंकि एक तरफ ये पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके तरफ बढ़ने की, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपसे दूरी होने के बावजूद भी ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके का प्यार आप दोनों के बीच में, जो सोलमेट ट्रू लव का जो ऐसे एनर्जीज आ रही है, एक दूसरे के लिए ही आप बने हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को रियलाइज़ है कि इन्होंने आपके जैसा, आपको जैसा प्यार किया वैसा इन्होंने किसी को नहीं किया, आप दोनों ने ही एक दूसरे को जैसा प्यार किया वैसा आप ढूंढ रहे हो, फिर भी वैसा प्यार आप दोनों को ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, और आपके पर्सन भले ही बाहर से दिखा रहे हो कि वो ठीक है, खुद को हील कर चुके हैं, पर अंदर ही अंदर वो रात को जब सोते हैं तो आपके बारे में सोचते हुए ही सोते हैं और उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस नज़र आता है। देखिए, यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, पर क्वीन ऑफ वैंड्स भी है। आप अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा हो वो प्रॉब्लम्स, इस पर्सन ने आपके साथ जो भी किया है, ठीक है, उसके बावजूद भी आप बहुत स्ट्रांग होके बाहर आ रहे हो। ठीक है, आप ना शो, आप बाहर वालों को ऐसा शो नहीं करते कि आप कोई बेचारे हो, ठीक है, आप ऐसा शो नहीं करते, आप बहुत एक स्ट्रांग पर्सन की तरह मुझे नज़र आ रहे हो, जो कि जो अपनी लाइफ है अपने शर्तों पे जीती है या जीता है। ठीक है, आप में बहुत पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है, तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है डेफिनेटली आप उसको बहुत अच्छी तरीके से डील कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो है, देखिए, कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से ही आप दोनों के बीच में ये जो टावर मोमेंट आया है, सेपरेशन आप दोनों के बीच में इस वजह से ही आया है। अगर चीज़ें आप दोनों कम्युनिकेट करो, चीज़ें सही से बात करके चीज़ों को ठीक करो, तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं आपके बीच में। यहाँ पर जो है आपके पर्सन, देखिए, पास्ट की उनको बहुत सारी यादें आती है, ठीक है, वो चाहते हैं कि आपके तरफ एक्शन ले, बात करें, पर
कुछ आप दोनों के बीच में पास्ट की ही कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन अपने हार्ट स्पेस को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी आपके साथ पास्ट मेमोरीज है, ये पर्सन आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या आपको काफ़ी, ये आपका लॉन्ग लव है, मतलब काफ़ी टाइम से ये पर्सन और आपके बीच में एक रिलेशनशिप है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है पास्ट की एनर्जीज आपके साथ बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं पर उस तरीके से शो ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दिन रात सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि यहाँ पर भी 9 ऑफ सोर्ड तो आया है। कहीं ना कहीं वो खुद को हील कर रहे, रिलेशनशिप को भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो आप दोनों के जो रिलेशनशिप है वो जैसे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा, पर इसमें किसी तीसरे का गाइडेंस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई ना कोई तीसरा पर्सन है, वो हो सकता है कोई एल्डरली हो या कोई फ्रेंड हो आपका, कॉमन फ्रेंड, जो कि आप दोनों के बीच में सुलह करा सकता है या सुलह करा सकती है, ठीक है। तो थोड़ा एफर्ट करने से ही चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होते हुए मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। देख लेते हैं आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं आपसे। व्हाट आई एम टुडे इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज योर नेम। आई एम वॉचिंग यू, प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट और आई मिस यू। तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि आज वो जो भी है वो आपकी वजह से ही है, और ये भी बोलना चाहते हैं कि पहला और आखिरी जो नेम, जो नाम है उनके दिमाग में आता है वो आप ही का है। जैसे कि मैंने बताया, रात को सोते समय सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि आप उनके लाइफ में बहुत हीलिंग एनर्जीज प्रोवाइड करते थे। आई एम वॉचिंग यू, तो आपके ऊपर डेफिनेटली नज़र तो रख रहे हैं, सोशल मीडिया साइट या कहीं से भी आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कॉमन फ्रेंड के थ्रू, क्योंकि इन्होंने आपसे, आप दोनों ने एक दूसरे से जो प्यार किया था वो सोलमेट कनेक्शन है, और वैसा प्यार दोबारा उन्होंने किसी से नहीं किया। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो और दोबारा वापस आ जाओ, पर खुद से ये बोलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ईगो हो सकता है। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट, ठीक है। मुझे और एक मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कम्युनिकेशन बंद हुआ है, ठीक है, और वही चीज़ आप दोनों को बात करके ठीक करनी चाहिए। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। तो उनको नहीं पता कि आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में रहते हो, आप अपने अपने मतलब लाइफ में मस्त रहते हो, और जो भी सिचुएशन है खुद अंदर अंदर आप डील करते हो, बाहर नहीं दिखाते हो। तो इस वजह से आपके पर्सन को लगता है कि कहीं आप अपने लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए, आपके लाइफ में कोई दूसरा तो नहीं आ गया है। तो उनको लगता है कि आई डोंट नो हाउ यू फील, आप क्या सा सोचते हो उनके बारे में, क्या अभी भी उनके आपके दिल में उनके लिए जगह है कि नहीं, वो उसके लिए डाउटफुल है। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, आपके बारे में उन्हें सब कुछ पसंद है। आई मिस यू, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, ऐसा भी आपको बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए इस वक्त के लिए क्या गाइडेंस है, इस सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन के लिए। एक्सपेंशन, क्वेस्ट, और एनलाइटनमेंट। डिस्कवरी, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस है कि इस सिचुएशन में आपको किसी और को इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कोई जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, या कोई ऐसा पर्सन जिससे कि आपको लगता है कि वो आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा गाइड कर सकता है, तो उससे आपको कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। और आपका दिल एक्चुअल में क्या चाहता है, आपका दिल किस तरफ जाना चाहता है, ठीक है, उसके लिए आपको क्लियर अपने विजन्स रखने होंगे। अपने हार्ट चक्रा को आपको भी हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको अपने
बारे में ही डिस्कवर करना है कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हो, इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो। तभी जब भी आप ऐसा सोचोगे और यूनिवर्स पे सरेंडर करोगे, यूनिवर्स खुद से ही आपको दिशा दिखा देगी कि इस आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। ठीक है, इस तरीके से मुझे आपके लिए गाइडेंस नजर आ रहा है। साथ में एंड ऑफ द डेक आ रहा है इम्पेशेंस। कोई भी काम आप इम्पेशेंट होके मत करिए, मतलब धैर्य रखिए और हर सिचुएशन में थोड़ा आपको अपने अंदर धैर्य रखने की जरूरत है, जो कि एंजल्स का मैसेज है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू।